तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकते हो। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, इंस्टाग्राम अकाउंट को डीएक्टिवेट करने के लिए आप लोगों को सबसे फर्स्ट अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन कर लेने के बाद आप लोग नीचे कॉर्नर में देख सकते हो प्रोफाइल पिक्चर का एक ऑप्शन दिख रहा है, तो आप लोगों को प्रोफाइल पिक्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आप लोग ऊपर कॉर्नर में देख सकते हो थ्री डॉट का एक ऑप्शन दिख रहा है, तो आप लोगों को थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर से काफी सारे सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग ऊपर में देख सकते हो अकाउंट सेंटर का एक ऑप्शन दिख रहा है, तो आप लोगों को अकाउंट सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, तो आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर से देख सकते हो पर्सनल डिटेल्स का एक ऑप्शन दिख रहा है, तो आप लोगों को पर्सनल डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आप लोग नीचे में देख सकते हो अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल का एक ऑप्शन दिख रहा है, तो आप लोगों को अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आप लोग ऊपर में देख सकते हो डीएक्टिवेशन और डिलीटेशन का एक ऑप्शन दिख रहा है, तो आप लोगों को डीएक्टिवेशन और डिलीटेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर से इंस्टाग्राम अकाउंट का यूजर नेम दिखने लगेगा, तो आप लोगों को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के यूजर नेम पे क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर से दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। पहला है दोस्तों डीएक्टिवेट अकाउंट और दूसरा दोस्तों डिलीट अकाउंट। अगर दोस्तों आप लोग अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो तो आप लोग नीचे में देख सकते हो डिलीट अकाउंट का एक ऑप्शन दिख रहा है, तो आप लोगों को डिलीट अकाउंट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। वैसे तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पर से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को टेम्परेली डिलीट करके दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग ऊपर में देख सकते हो डीएक्टिवेट अकाउंट का एक ऑप्शन दिख रहा है, तो आप लोगों को डीएक्टिवेट अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों आप लोग नीचे में देख सकते हो कंटिन्यू का एक ऑप्शन दिख रहा है, तो आप लोगों को कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग होगा, तो वेट कर लेना। उसके बाद आपसे यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, तो आप लोगों को अपने यहाँ पर से पासवर्ड डाल देना है, जैसे कि मैं अपने यहाँ पर से पासवर्ड डाल रहा हूँ। दोस्तों पासवर्ड डाल लेने के बाद दोस्तों आप लोग नीचे में देख सकते हो कंटिन्यू का एक ऑप्शन दिख रहा है, तो आप लोगों को कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग होगा, तो आप लोगों को वेट कर लेना है। वेट कर लेने के बाद दोस्तों आप लोग ऊपर में देख सकते हो डीएक्टिवेटिंग योर इंस्टाग्राम अकाउंट। तो दोस्तों इंस्टाग्राम आपसे पूछ रहा है कि आप लोग अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डीएक्टिवेट क्यों करना चाहते हो, तो आप लोग यहाँ पर से कोई भी एक रीजन को सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ दोस्तों क्रिएटेड अ सेकंड अकाउंट। तो आप लोग भी इसी टाइप से कोई भी एक रीजन को सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों आप लोग नीचे में देख सकते हो कंटिन्यू का एक ऑप्शन दिख रहा है, तो आप लोगों को कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आप लोगों को एक बार फिर से यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आप लोग ऊपर में देख सकते हो कंफर्म टेम्पररी अकाउंट डीएक्टिवेशन। दोस्तों आप लोग अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को टेम्परेली डीएक्टिवेट करने के लिए आप लोग नीचे में देख सकते हो डीएक्टिवेट अकाउंट का एक ऑप्शन दिख रहा है, तो आप लोगों को डीएक्टिवेट अकाउंट को यहाँ पर से क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों अगर आप लोग अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डीएक्टिवेट करने के बाद रीएक्टिवेट करना चाहते हो, तो आप लोग सिंपली लॉग इन करके रीएक्टिवेट कर सकते हो। तो दोस्तों यही था सिंपल समय था इंस्टाग्राम अकाउंट को डीएक्टिवेट करने का। अगर दोस्तों आपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डीएक्टिवेट कर लिया है तो कमेंट में थैंक जरूर से लिखना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और पे क्लिक कर देना, क्योंकि इस टाइप का इंटरेस्टिंग वीडियो मैं हमेशा लाते रहता हूँ।